जाटूसाना में भीड़ देखकर गदगद नजर आए हुड्डा। अनिल पहलवास की निकटतें। जाटूसाना में कांग्रेसी नेता अनिल पहलवास द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस रैली में बदल गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस भीड़ को देखकर पुरानी हार को भूलकर जोश में नजर आए। अगले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत नजर आने लगी। हालांकि कांग्रेस की फूट भी नजर आई, मगर हुड्डा के सामने ज्यादा देर तक नहीं चली। कांग्रेसी नेता जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधने की कोशिश की तो रैली के संयोजक अनिल पहलवास को उनकी वही रुकवा दिया। राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में बोलने से मना करवाया। कांग्रेस के नेता अनिल पहलवास ने जाटूसाना में दीपेंद्र हुड्डा की रैली करवाकर अपने इरादे भी साफ कर दिए कि यदि उनको टिकट नहीं मिलती तो कोसली की जीत का तोहफा हुड्डा को देंगे। इस रैली में महिलाओं की भीड़ भी खूब नजर आई। मंच पर नेताओं की भीड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन को मजबूती दी। दीपेंद्र हुड्डा ने भी भाजपा और जसपा सरकार को जमकर कोसा और प्रदेश की बदहाली पर दोनों को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान सेल के संयोजक अनिल ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और तीखे प्रहार किए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर एम एल रंगा, दीवान सिंह चौहान, रेखा दहिया, महेंद्र छाबड़ा टाटा मोटरसल वली टिंट, जय भगवान सरपंच, आनंद सिंह रोड़ाई, यशपाल सहित जितेंद्र उर्फ जीतू मुदी आदि मौजूद रहे। हनुमान बन के उनका नाश करेगा डॉक्टर साहब, ये लिख देना बात अपनी उसमें कलम से, इस गदा से सारे जितने भी रावण पैदा हो रहे हैं कुछ तो दशहरे पर चढ़ गए और कुछ भाई दीपेंद्र हुड्डा कर देगा इनका। क्यों जी बहन जी अनिता यादव जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र अविनाश यादव हमारे यूथ के हैं। हमारे भाई अनिल पहलवास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम कल का होना था, मैं आपको जानकारी मिला हूँ, लेकिन मात्र एक दिन पहले यानी कि 2 तारीख को मैंने इनको टेलीफोन पर ये बताया कि जी राजस्थान चुनाव की कांग्रेस की लिस्ट आज निकली है और 4 और 6 दो दिन नॉमिनेशन भरे जाएंगे, तो 4 को मुझे चित्तौड़गढ़ और अजमेर जाना पड़ेगा नॉमिनेशन पे, तो आप उस वक्त तो इन्होंने सर स्वीकार किया, जबकि इनका स्वयं जन्मदिन पे कार्यक्रम हमने 4 तारीख का निर्धारित किया था, तो इनको जन्मदिन की हम शुभकामनाएँ भी देते और जो है उसके बावजूद लास्ट मिनट एडजस्टमेंट के बावजूद इतने बड़ा और इतना भव्य कार्यक्रम जो आज किया गया ना, बहुत बहुत बधाई। 5 राज्यों में चुनाव उनके बारे में, 5 राज्यों में हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निश्चित तौर से कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है और जिन प्रदेशों में लोग कह रहे हैं कि थोड़ा मुकाबला है वहाँ भी आप देखना जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ेगा, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को यदि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, वैसे हमारे इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है केंद्र की स्तर पर, लेकिन प्रदेश लेवल पर उनका कोई आम आदमी पार्टी का जनाधार। सर नंबरदारों की और घोषणा करते हैं, एक बात रहेगी, मैं कई बातें कह गया था, एक बात रह गई थी आप बाकी तो आपने ले लिया सारा, कि भाई नंबरदारों को जो ये सरकार नंबरदार के प्रति जो नंबरदार प्रथा पे जो इतने बड़ी चोट पहुंचाने का काम खट्टर सरकार द्वारा किया गया है वो सही नहीं है। हमारे ग्रामीण अंचल की जो एक नंबरदार एक सम्मानित एक ये पद होता है और इसको नंबरदारों की हम सारी मांगों का समर्थन करते हैं, पूर्णतः हम नंबरदार को उसका मान सम्मान और उसका स्थान दिलवाने का काम करते हैं। एम्स के टेंडर कैंसिल हो गए, आनंद में दोबारा डाले हैं, क्या ये देखिए इसमें सरकार की नीयत, इसमें केवल आपने ये देखा कि आज 9.5 साल हो गए, 2015 में 14 में आखिर 14 के नवंबर में सरकार बनी थी 2000 में और 15 में ये घोषणा हुई थी, उसके बाद 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, केवल आखिरी अंतिम वर्ष में कैबिनेट का फैसला करवाने की एक बात की गई, उसके बाद 5 साल तो कुछ नहीं। देश में कितने एम्स बन गए मैं पूछना चाहता हूँ, देश के कितने एम्स बन गए, ये कह रही है सरकार, ये मोदी सरकार खुद कह रही है कि देश में हमने 17 एम्स बनवा दिए, तो ये अपना एम्स तो सबसे पहले यहाँ पे घोषणा हुई थी कही थी, तो या मैं समझता हूँ कि भाई या केंद्र सरकार या तो इसमें कटघरे में है या प्रदेश सरकार, लेकिन इसमें नियत प्रदेश सरकार के खिलाफ ख़राब है, ये हम क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग की स्टैंडिंग कमेटी ने जब देखा तो 2 एम्स देश में, एक बिहार में, क्योंकि बिहार में कई बार सरकार बदल गई तो वहाँ पर बड़ी तो वहाँ की अलग स्थिति है, लेकिन हरियाणा में तो वही सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार है,
तो दो प्रदेश सरकारों को कहा गया कि इन दो प्रदेश सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, दीपेंद्र अपना ये उतनी स्पीड से काम नहीं करा रहे, तो अपना जमीन उतनी स्पीड से उपलब्ध इन्होंने नहीं कराई, और तो ये कहीं ना कहीं इसमें खट्टर सरकार की नीयत में मैं प्रश्न चिन्ह लगाने का खुला काम कर, तो मैं हर बार करता हूँ जब भी यहाँ पे आता हूँ कि ये एम्स को लेकर ये सरकार केवल राजनीतिक, अब ये चुनाव आ गए, चुनाव से पहले जो है कि भाई कुछ अपना बिल्कुल चुनाव की तथ्य चीज़ें नज़दीक कोई ऐसा चीज़ करी जाएगी चुनाव में प्रभावित, अगर इनका नियत थी बनवाने की, जब बाकी जगह दो साल में एम्स बन जाते हैं तो या हरियाणा के अंदर 10 साल तक भी कार्य भी शुरू नहीं हो पाया, क्यों? तो इनकी नियत इसको बनवाने की बजाय इनकी नियत कुछ केवल इसको चुनावी रूप से बनाने की नियत थी, इसको बनाने की जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं थी। दीपेंद्र जी, जिस तरीके से भीड़ जुटाने के लिए, जिस तरीके भीड़ के पीछे कुर्सियां हटाई जा रही थी उसके दौरान जैसे ठुमके जो लगा के भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है, किस तरीके देखते हैं? मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है, अगर मैं एक बार को ऐसी बात हूँ, मैं जानकारी दीपेंद्र जी, पहले दीपेंद्र जी, पहले तो नेता आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े शांतशील हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। एक अनिल पालावाज जी का प्रोग्राम था मंच पे, सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरह से लताड़ने की बात कही गई, क्या सत्ता में आने के बाद किस तरह का रुख होगा? अगर वो क्या संदर्भ क्या था, आप उस बात को बात पकड़ने से पहले क्या संदर्भ था वो हम भी लेंगे, कहीं ना कहीं अगर प्रशासन ने अगर किसी नौजवान के साथ अगर प्रशासन का कोई अगर दुर्व्यवहार रहा है तो उस बात की मैं उस बात को संज्ञान में हम भी लेंगे। दीपेंद्र जी, पहले जगदीश जी का आना, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री जो गुरुग्राम से उनके खास माने जाते हैं अनिल जी, अब उनका आना, पहले यादवेंद्र जी है, तीन दावेदार कांग्रेस के कोसली विधानसभा सीट से हो गए, किसको टिकट मिलेगी, क्या कह सकते हैं? अभी जैसे हमने कहा कि आज हम स्वागत करते हैं जो कहते कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, जगदीश जी हमारे बहुत जो है वरिष्ठ नेता रहे इस इलाके के, हमारे भाई अनिल पालावाज जी ये हमारे बहुत कार्यकर्ता रहे, ये सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, तो इसमें आप लोगों क्या इसमें वो है कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है सर, कांग्रेस पार्टी मजबूत, अभी चुनाव सुनिए, अभी चुनाव पहले 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 लोकसभा का चुनाव है, पहले लोकसभा का चुनाव पहले पहले लोकसभा के धन में आईडी ना दिखाई, तीन महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा हर व्यक्ति कई जो लोग इस कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे जो अपने सारे ये जरूरी नहीं कि हर किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई आपको कई कई बहुत सी विधानसभा क्षेत्र में जाए जो है एक से ज़्यादा लोग ऐसे काबिल हैं जो कांग्रेस पार्टी की अपनी दावेदारी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, ये कोई कोई किसी केवल हरियाणा नहीं पूरे देश में, मैं राजस्थान में देख रहा हूँ एक एक सीट पे कई जगह बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो दावेदारी पेश करते हैं, तो उसमें जो सर्वे अनुसार जो पार्टी जो सबसे मजबूत उम्मीदवार को जो पाएगी उस समय के सर्वे अनुसार जो सबसे मजबूत होगा कांग्रेस पार्टी उसको अवसर देगी, ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का एक वो स्टैंड है पूरे देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश में भी बार बार स्टैंड हम कह चुके हैं, और बाकी कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल होने तो आप लोग तो इस बात में जो है वो आपको खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए ना, रामपुरा और एंटी रामपुरा की राजनीति चलती है। ठीक है, अब करेंगे।